हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा सा देखेंगे, क्लियर करेंगे इसको एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है और टीचर्स को भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो फैमिलियर है एक्सेल से, ओपन ऑफिस कैल्क से फैमिलियर नहीं है उतने। तो आज कैल्क की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में कैल्क ही यूज करवाया जा रहा है इस समय। तो चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर एक मैंने प्रिपेयर किया है रिजल्ट टाइप का, तो ये देख सकते हैं एक रिजल्ट ही है। यहाँ पर टोटल हमने किया हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे सबसे पहले और इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज 100 पे ही कैलकुलेट होता है। कितने सब्जेक्ट हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 5 सब्जेक्ट 500 से, तो ये से 500 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर परसेंटेज आ गया है, देख सकते हैं परसेंटेज आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर जैसे ये तो एक छोटी सी रेंज है हमारे पास, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। रो नंबर या कॉलम नंबर पता करना हो तो मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं आप, ये लगाया मैच, और यहां पर क्या करना है, लुकअप वैल्यू, किसको आप लुकअप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये पता करना चाहते हैं कि ये राजू का जो रो नंबर है वो कौन सा है, तो हम यहां पे लगाते हैं कॉमा, ठीक है, और यहां से पूरा डेटा कर लेते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया, F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देते हैं। देखिए C के पहले भी डॉलर, 2 के पहले भी डॉलर, C के पहले भी डॉलर, 9 के पहले भी डॉलर, यानी सबके पहले डॉलर लगा दिया तो ये फ्रीज हो गया, यानी बन गया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, कॉमा दे दिया। यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं। अब देखिए ये राजू का कॉलम नंबर बताएगा, सॉरी रो नंबर बताएगा ये, तो ये देखिए रो नंबर 4 है राजू का, काउंट कीजिए 1 2 3, यहां से काउंट कीजिए क्योंकि मैंने यहां से लिया हुआ था। अगर आप यहां से नहीं लेंगे तो फिर आप हेडिंग को छोड़ना चाहते हैं तो यू कैन लीव ऑल्सो, तो वो कैसे करेंगे, तो इक्वल टू मैच देख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं इसको, ये देखिए ये हो गया। और ये पूरा ही डेटा हमको सेलेक्ट नहीं करना है, इस बार यहां से सेलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू, किसको लुकअप करना है, राम को करना है, तो राम सेलेक्ट किया, कॉमा देंगे, और यहां से देखिए हेडिंग को छोड़ रहा हूं, यहां से इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, F4 दबा के फ्रीज कर रहा हूं, कॉमा दे रहा हूं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, इसको बंद करूंगा, एंटर करूंगा, ये देखिए ये रो नंबर 1 आ रहा है। इसी तरीके से कॉलम नंबर है, तो इज इक्वल टू मैच लगाइए और यहां पे देखिए कॉलम नंबर, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, देख रहे हैं। तो यहां पर कॉलम नंबर, मान लीजिए हमें पता करना हो कि टोटल, ध्यान दीजिएगा ये टोटल का कॉलम नंबर कौन सा है, वैसे तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 आना चाहिए, तो यहां पर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर जाइएगा, ये कॉलम वाला ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर जाइएगा, ये सेलेक्ट कर गए, F4 दबा के फ्रिज कीजिए, कॉमा दीजिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए और यहां पे एंटर करिएगा, यहां पे आपको रिजल्ट में 7 ही मिलेगा। लेकिन इन द केस ऑफ ओपन ऑफिस क्या होता है, अब यहां पर आएगी बात, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 3 कितने सब्जेक्ट है 5, तो 500 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है, तरीका भी तो सेम ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब यहां पर कहानी होने वाली है चेंज। तो चलिए यहां पर कहानी जब चेंज होगी तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहां पर अब मान लीजिए मैच फॉर्मूला यूज करना है, तो यहां पर लगाया मैच MATCH, यहां पर आप टैब नहीं प्रेस कर सकते, याद रखिएगा शिफ्ट दबा के 9 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक की दबाना होगा। अब सर्च क्राइटेरिया पूछ रहा है, सर्च क्राइटेरिया यानी मान लीजिए हमें राजू का रो नंबर पता करना है, तो यहां पे कॉमा लगाया। अब यहां पर जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो हो जाती है बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि यहां पे कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं आपको दिखाता भी हूं। अब मान लीजिए कि यहां से इस पूरे डेटा को हम कर लेते हैं सेलेक्ट, कर लिया, फ्रीज करना है आपको, एक एक करके फ्रीज करना होगा, यहां पर F4 काम नहीं करेगा, याद रखिएगा, ये देखिए क्या ओपन हो गया, देख सकते हैं, तो इसको बंद करना है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसको बंद करना है या इसको हम यहां से इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और देखिए यहां पे एरर आ रहा है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, F2 करके आप एडिट कर सकते हैं, इसकी छूट आपको है, ठीक है। यहां पर डॉलर लगा दीजिए, एक एक करके आपके, आपको एक एक करके इसके पहले डॉलर लगाना होगा, एक्सेल के जैसे नहीं है कि आप F4 प्रेस करके डॉलर लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आए डॉलर लगा दिया। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, यहां पर कॉमा नहीं देना है, अगर आप कॉमा देते हैं तो ये नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात, तो कॉमा बिल्कुल मत दीजिएगा, तो कॉमा नहीं देना है, तो क्या देना है, सेमीकोलन, सेमीकोलन ऐसे देना है, ठीक है। फिर यहां पर आए, अब यहां पर क्या करना है, सेमीकोलन फिर देना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, अब देखते हैं रिजल्ट आता है या नहीं। लीजिए रो नंबर 3 आ गया है, ठीक है,
तो देख सकते हैं रो नंबर थ्री किन का है, यहां पे देखिए 1 2 3 राजू का है कि नहीं, राजू का है रो नंबर थ्री। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम बात करें यहां पे F2 करता हूं, फॉर्मूले को एडिट करता हूं, मान लीजिए कि हमें राजू का नहीं देखना था, A4 था राजू का, तो राजू का नहीं देखना था हमें, A5 करते हैं, A5 यानी कि अमित का देखना है। तो अमित का कौन सा है, 1, देखिए यहां पे एंटर करता हूं, तो यहां पे देखिए ये 1 2 3 4 5 है कि नहीं। अगर आप यहां से चलते हैं तो ये 5 है, ठीक है, अगर आप यहां से चलेंगे तो ये 4 होगा, समझ आई बात। यहां से मैं चल रहा हूं इसीलिए ये 5 बता रहा है, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये जो है पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि यहां पे सेमी कोलन एक्सेप्टेबल है, दूसरा एक्सटेंशन का अंतर होता है। यहां पर क्या होगा, यहां का जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो डॉट ओडीएस होगा, कैसे ओडीएस होगा वो भी बताता हूं। देखिए यहां पे गए, इसको सेव करते हैं, चलिए सेव एज हो गया, यहां पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो यहां पे ओपन के नाम से, ओपन ऑफिस के नाम, ओएफ के नाम से इसको सेव करता हूं, यहां पे खाली ओपन एफ लिख दिया मैंने और इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखते हैं आया या नहीं। ये तो एक्सेल है, एक्सेल का तो आप जानते हैं डॉट एक्सएलएस होता है। ठीक है, तो ये आया, अब देखिए इस पे कहीं आया हुआ है, ये रहा, ये है। अब इस पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से क्या चलते हैं, यहां से प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो ये देखिए यहां पर क्या दिखा रहा है, ओडीएस दिखा रहा है, डॉट ओडीएस। ठीक है, तो एक्सटेंशन का दूसरा अंतर हो जाता है, आई बात समझ में।